नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड गुरुची हरियाणा। जैसे कि पिछले 4-5 महीनों से आपको पूरे हरियाणा प्रदेश की खबरों से हम अवगत कराते रहते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव भड़ौजी में। और यहां जो हमारे भावी सरपंची के उम्मीदवार हैं, साहब से हम जानना चाहेंगे किस उद्देश्य को लेकर के, किस मोटो को लेकर के वो इस प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और यदि मालिक की कृपा से वो बन जाते हैं, भगवान की इच्छा से बन जाते हैं, बनाने वाले तो जनता जनार्दन होती है, बस्ती माता होती है, गांव राम है, यदि वो बन जाते हैं तो गांव में किस प्रकार का नया विकास करेंगे। प्रधान नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो भाई आपको और आपके गांव को बीपीए न्यूज़ पर प्रथम बार जुड़ने पर मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा, नव वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं। तो प्रधान जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्व शर्मा है जी, ग्राम पंचायत भड़ौजी से है, डिस्ट्रिक्ट नू है, जिला जी। तो प्रधान जी, ये शर्मा जी, प्रधानी लड़ने के लिए मतलब क्या उद्देश्य आपका, या किसी ने मोटिवेशन दिया है आपको? देखो सर, पंचायत चुनाव जो भी होता है, गांव चुनकर बनाता है, जो सरपंच बनता है उसका एक उद्देश्य होता है, जैसे कि शिक्षा पे जोर देना, गांव में बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधा, मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं, रास्ते वगैरह हैं जी, सभी का ध्यान देना है। तो इसमें अब स्कूल कितने तक का है सर? स्कूल 8वीं तक का है, और दो गांव का बीच में है वो, दो गांव के बीच में है जी, और छोटे गांवों की पंचायत है, तो उस हिसाब से 8वीं तक का ही। तो सर, आप सरपंच बनने के बाद में क्या अपग्रेड के लिए सरकार से प्रस्ताव रखेंगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे जी, जी। जैसे भी बच्चे और बढ़ाएंगे स्कूल में, अपग्रेड के लिए सरकार से दरखास्त करेंगे, मांग करेंगे जी। तो देखिए, ये सरपंच साहब ने बताया कि भाई यदि हम दोबारा, भाई बस्ती माता हमें मौका देती है तो और अच्छा विकास का कार्य करेंगे, और एक निर्मल गाँव स्वच्छ भारत के तहत गांव का विकास कराएंगे। सर, सफाई कर्मचारी कितने हैं आप? सफाई कर्मचारी 2 हैं। सही समय पे काम करते हैं? सही समय पे काम करते हैं, बड़े। और राशन डिपो? राशन डिपो सही राशन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत। तो सुशर्मा भाई, आपकी इस योजना में पिछली में गांव में कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांतिपूर्वक रहता है हमारे गाँव में, वैसे लड़ाई झगड़ा। ठीक है। अच्छा, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन।